हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको होली कम्युनियन के लिए एक गाउन बनाना बताने वाली हूँ, जो कि मैं यहाँ पे 11 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है व्हाइट कलर का लेस का कपड़ा, जो कि मैंने 1 मीटर लिया है। इसमें से हम पैचेस को और बॉर्डर को कट करके यूज़ करेंगे। इसके साथ में मैंने लिया है नेट का कपड़ा, जो कि मैंने 6 मीटर लिया हुआ है। ये बड़े पन्ने वाला नेट है। इसके साथ में बड़े पन्ने वाला सैटिन लिया है, जो कि मैंने 4.5 मीटर का लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे लेस का कपड़ा लिया है, इसमें से हम ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पैचेस है बीच बीच में, तो इन पैचेस को हम पहले कट करके लेंगे। इन पैचेस को कट करते हुए इसको हम जो हमने नेट का कपड़ा लिया हुआ है इसके ऊपर स्टिक करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे नेट के कपड़े के ऊपर पैचेस को लगा के लिया है। और ये जो नेट है मैंने इसको ऑलरेडी कट भी करके लिया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी हुई है 40 इंच की, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 3 मीटर। इस तरह के मेरे पास यहाँ पे 2 पीसेस हैं, और फ्रंट और बैक दोनों ही पीसेस में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं पैचेस को स्टिक करके लिया है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने सैटिन को भी कट करके लिया है। जो सैटिन का लेयर है इसकी लंबाई मैंने 39 इंचेस की रखी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको फुल फ्लेयर अम्ब्रेला में कट करके लिया है। इसको भी मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए 2 पीसेस लिए हैं। इसके साथ ही में हमने यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा भी कट करके लिया है। जो लाइनिंग के कपड़े की लंबाई है वो मैंने 37 इंचेस की रखी है, जो कि मेरे सैटिन से 2 इंच कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें स्कर्ट पार्ट की स्टिचिंग में। तो यहाँ पर देखिए जो प्लेन नेट हमने लिया है इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे प्लेट्स बनाते हुए जाना है, और इसकी जो चौड़ाई है उसे हमें कमर के साइज तक लेके आनी है। फ्रंट और बैक दोनों ही पीसेस में हमें इसी तरह से करके लेना है। इसके साथ ही में जो हमने यहाँ पे सैटिन का कपड़ा लिया है उसमें हमें देखिए नीचे से इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें पीको भी कर सकते हैं या फिर हॉर्स हेयर ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही में जो मैंने यहाँ पे लाइनिंग लिया है इसमें भी इसी तरह से नीचे 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, या फिर पीको भी आप करके ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे नेट में ऊपर की तरफ प्लेट्स बना के लिए हैं। और अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमने सैटिन का लेयर लिया है उससे अटैच करके लेंगे। और ये जो सैटिन का लेयर है इसमें नीचे की तरफ मैंने हॉर्स हेयर ब्रेड लगाते हुए फिनिशिंग दी हुई है। तो ये देखिए इस तरह से जो सैटिन का कपड़ा है उसे मैंने यहाँ पे रखा है, और उसके ऊपर इस तरह से जो नेट का मैंने लेयर रेडी किया है इसको इस तरह से रखना है, और ऊपर की तरफ से हमें 1 सिलाई लगा के दोनों ही पीसेस को अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सैटिन और नेट के लेयर को अटैच करके लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर जो हमारा पैच वर्क है वो बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। घेर का पार्ट है वो रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं हम बॉडी की तरफ। तो बॉडी के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कपड़े को कट करके लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे रखी है 21 इंचेस की, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 15 इंचेस की रखी है। इस तरह के मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए 1-1। अब इसको हम ये देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करके लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बॉडी की मार्किंग करके रखी हुई है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। जो फ्रंट नेक है वो हमने रखा है 5 इंच का, और जो बैक नेक है वो मैंने यहाँ पे 2 इंचेस का रखा है। गले की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 3.5 इंची रखी है, आप 3 इंचेस भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो गले में मैंने शेप की मार्किंग की हुई है इसमें यहाँ पे मैंने जो लेस के कपड़े का बॉर्डर है उसे यूज़ किया है। इसके बाद में यहाँ पर जो शोल्डर है वो मैंने 3 इंचेस का रखा है, और 1/4 इंच का शोल्डर स्लोप भी मार्क किया है। और जो आर्बोल है वो मैंने 6.5 इंच की रखी है, और यहाँ से फ्रंट और बैक के लिए मैंने अलग अलग से 2 आर्मोल मार्क किए हैं। चेस्ट यहाँ पे मैंने 10.5 इंच लिया है, 8 इंच यहाँ पे मेरा रेडी रहेगा, और इसके साथ में मैंने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। और यहाँ से नीचे की तरफ कमर में मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क किया है, और नीचे में भी 1/2 इंच इस तरह से मैंने गोलाई में मार्क किया है। अब इसको हम पहले बैक के मार्किंग के साथ में कट करके लेंगे, और उसके बाद में फ्रंट का गला और फ्रंट का आर्मोल अलग से कट करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों को अलग से कट करके लिया है। पहले मैंने बैक के मार्किंग के साथ कट किया है, उसके बाद में फ्रंट का गला और फ्रंट का आर्मोल कट करके लिया है। अब इन्हीं पीसेस को रखते हुए हमें यहाँ पे सैटिन और जो नेट का कपड़ा लिया है इनको भी कट करके लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग ऑलरेडी की हुई है।
बैक पार्ट के लिए मैंने नेट और सैटिन कट किया है और साथ ही में फ्रंट के लिए भी किया है, लेकिन फ्रंट में मैंने सैटिन और नेट में गले की कटिंग नहीं की हुई है, जो कि हम इनको अटैच करने के बाद में करके लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग के लिए देखिए, पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट बता रही हूँ। तो पहले हमने यहाँ पे सैटिन को सीधी तरफ करके रखा है, इसके ऊपर नेट को भी हमें सीधी तरफ करके ही रखना है। और इसके बाद में जो लाइनिंग का कपड़ा हमने लिया है, इसको ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखना है। इस तरह से ऊपर रखते हुए यहाँ पर गले में हमें सिलाई लगाकर लेनी है। और इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी करना है। तो ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, सैटिन को रखेंगे, सैटिन के ऊपर जो नेट है उसे रखना है, और उसके ऊपर जो लाइनिंग का पीस हमने कट करके लिया था उसको रख के लेना है, और इसमें भी हमें सिर्फ गले में एक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट में गले में सिलाई लगा के ली है, और यहाँ पर हमने बीच बीच में नॉचेस भी लगा के लिए हैं, छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ध्यान रहे कि हमें जो सिलाई है उसे नहीं काटनी है। अब ये देखिए, जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको हम इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ के लेंगे, और हमें यहाँ पे जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे ठीक से खींचना है। जो हमारा डिज़ाइन है गले का, वो इस तरह से अच्छे से निकल कर आना चाहिए। उस तरह से हमें कपड़े को अच्छे से मोड़ के लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सीधी तरफ मोड़ कर लिया है। अब इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है, और उसके बाद में इसमें जो हमने लेस का कपड़ा लिया था उसका जो बॉर्डर है उसे इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। आप चाहे तो स्टिक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जो बॉर्डर है उसे हमें गले के डिज़ाइन में ठीक से पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर ऊपर की तरफ में भी हमें यहाँ पर बॉर्डर लगाना है। तो पहले ये देखिए, हम इस तरह से ऊपर की तरफ के डिज़ाइन को पकड़ते हुए रखेंगे। ये देखिए, दोनों ही तरफ में हमें इसी तरह से डिज़ाइन को ठीक से पकड़ते हुए बॉर्डर को स्टिच करके लेना है। दोनों ही साइड हो जाने के बाद में फ्रंट के साइड में देखिए, यहाँ पे मैंने एक और लेस का पीस रख के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से पीस को ठीक से, जो गले का डिज़ाइन है उसमें ठीक से पकड़ते हुए यहाँ पर भी एक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरह से जो हमारा बॉर्डर है यहाँ पर लग चुका है, और आप देख सकते हैं जो हमने गले में शेप रखा था उसी हिसाब से हमने यहाँ पर बॉर्डर को लगा कर लिया है। अब हम यहाँ पे बैक का पार्ट लेंगे, और जो फ्रंट और बैक बॉडीज़ है इनको अटैच कर लेंगे। तो जो बैक का पार्ट है इसमें भी हमने देखिए यहाँ पर गले में सिलाई लगाई हुई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्रंट को रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे हम ऊपर की तरफ उठा कर लेंगे, और जो हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया है उसको इस तरह से अंदर रखते हुए यहाँ पर हम शोल्डर्स को अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से शोल्डर में हमारी सिलाई लग चुकी है, और यहाँ पर भी गले में हमने नॉचेस लगा कर लिए हैं। और अब जो लाइनिंग है उसको हमें देखिए इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ेंगे, और जो कपड़ा है उसे हमें सीधी तरफ करके लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे सीधी तरफ करके लिया है, और यहाँ पर भी हमें ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। इसमें सिलाई लग जाने के बाद में ये देखिए, जो बैक का पार्ट है उसे हमें देखिए इस तरह से पकड़ते हुए फोल्ड करके लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके लेते हुए हमें यहाँ पे इसे बीचों बीच से कट करके लेना है, और यहाँ पर जिप को लगा लेना है। बॉडीज़ में जिप कैसे अटैच करना है इसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ पर जिप लग चुकी है, और आप देख सकते हैं बड़े अच्छे फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पे जिप लगाया है, और साथ ही में इसमें हमने स्लीव्स को भी अटैच करके लिया है। स्लीव्स को किस तरह से कट करना है और किस तरह से अटैच करना है इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी जो बॉडीज हमने रेडी की है इसे हम घेर अटैच करेंगे। तो ये देखिए, बॉडी को इस तरह से रखना है, और उसके ऊपर जो घेर है इसको हमें उल्टा रख के लेना है, यानी कि जिस तरफ हमारा नेट लगा है उसको हम नीचे की तरफ लेंगे, और सैटिन ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ पकड़ते हुए हमें यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन में एक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में हमने इसी तरह से घेर को अटैच करके लिया है। अब इसके साथ हम जो लाइनिंग हमने लिया था उसे अटैच करेंगे। तो जो लाइनिंग है उसे हमें देखिए बॉडी की तरफ से पकड़ते हुए रखना है। नीचे की तरफ से हमने घेर लगाया है, और यहाँ पर ये देखिए बॉडी की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ से हम
लाइनिंग को इस तरह से रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा लाइनिंग लग चुका है और जो सिलाई है वो देखिए यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ जा चुकी है और ऊपर की तरफ से हमारा जो फिनिशिंग है वो यहाँ पे क्लीन आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड्स को अटैच करते हुए जो गाउन है उसे तैयार करके लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम स्लीव से पकड़ते हुए जो हमने 2.5 इंच का मार्जिन रखा था उसी मार्जिन के हिसाब से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर जो तीनों ही लेयर्स हैं उन्हें हमें अलग अलग से स्टिच करके लेना है। तो पहले हम ये देखिए इस तरह से जो नेट का लेयर हमने लिया है उसको पकड़ते हुए सिलाई लगा कर लेंगे। उसके बाद में जो सैटिन के लेयर्स हैं उनको पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद में हमें लाइनिंग को पकड़ते हुए सिलाई लगाना है और उसके बाद में ऊपर की तरफ स्टिच करना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा गाउन है वो बनके तैयार है। हमने यहाँ पे साइड्स को अटैच करते हुए इसमें फिनिशिंग दी है और यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं हमने इस तरह से यहाँ पे एक बड़ा बो बनाकर लगाया है और इसमें भी नीचे की तरफ हमने इस तरह से लंबे से रिबन्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे फ्रंट साइड में हम फिनिशिंग देंगे तो उसके लिए जो हमने पहले पैचेस कट करके लिए थे उसके कुछ पैचेस हमने बचा के रखे थे उनको ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे रखते हुए इनको स्टिक करके लेना है। आप चाहे तो स्टिक कर सकते हैं या फिर इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, इससे जो हमारी गाउन की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से जो हमारा यहाँ पे पैचवर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छे से बन के आई है और इस तरह से जो हमारा गाउन है वो बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।